भाई इस समय हर कोई खुश है संजू सैमसन के लिए, लेकिन क्यों? इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहो, डिटेल में समझाऊंगा। भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरा T20I खेला गया। इस तीसरे T20I में टीम इंडिया ने भाई रिकॉर्ड्स का तो पहाड़ी लगा दिया। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने T20I हिस्ट्री का बेस्ट प्लेइंग नेशंस के बीच में सबसे ज्यादा स्कोर बना दिया है बॉस। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 297 रन ठोक दिए, ऑलमोस्ट 15 के रन रेट से। 3 रन और लग जाते तो भाई 300 रन भी टीम इंडिया मार देती। और इस पूरे स्क्रिप्ट को जिसने सबसे पहले इनिशिएट किया वो नाम था संजू सैमसन। भाई सबको पता है संजू सैमसन कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लगातार संजू सैमसन को ड्रॉप किया जाता है, बीच में मौके दिए जाते हैं, कभी ODI में खिलाया जाता है, कभी T20I में खिलाया जाता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उनको टीम में जगह नहीं मिलती। लेकिन अब संजू सैमसन ने एक तगड़ा स्लैप मारा है उन सभी के मुंह पे जो ये कहते थे कि संजू सैमसन को ड्रॉप कर देना चाहिए। एक शानदार सेंचुरी, 5 गेंदों पर 5 छक्के, बहुत सारे रिकॉर्ड संजू सैमसन ने इस इनिंग में अपने नाम किए। मैच के बाद संजू सैमसन ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाई श्रीलंका में मैं 2 बार 0 पे आउट हुआ, लेकिन उसके बाद भी संजू पीछे मुड़कर नहीं देखे। उन्होंने कहा कि भाई गौती भाई ने काफी ज्यादा बैक किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मैंने सेंचुरी लगाई है। इसी के साथ भाई टीम इंडिया T20 हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बायलेटरल सीरीज स्वीप करने वाली टीम भी बन गई है। टीम इंडिया ने 34 सीरीज में से 10 बार क्लीन स्वीप मारा है। बात करें साल 2014 की, तो साल 2014 में टीम इंडिया ने 22 T20 खेले हैं, जिसमें से एक ही हारा है और टीम इंडिया 21 जीत के साथ चल रही है। सेकेंड इनिंग में मयंक यादव का जलवा देखने को मिला। भाई जैसे ही इनिंग शुरू हुई, पहली गेंद पे मयंक यादव ने एक तीखा बाउंसर डाला और बैट्समैन उस पे कैच आउट हो गए। इस समय टीम इंडिया के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया हार्दिक पांड्या को। भाई इस मैच में भी हार्दिक पांड्या शानदार टच में दिखे, तेज तरार तरीके से रन बनाए। चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर देते हैं एक बार हांगकांग सिक्सेस की। भाई हांगकांग सिक्सेस शुरू होने वाला है और इसको लेकर के टीम इंडिया ने अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। रॉबिन उथप्पा टीम की कप्तानी करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं हांगकांग सिक्सेस के बारे में विस्तार से बात करूं, एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। WTC की जो टेबल है वो अपडेट हो चुकी है और इस अपडेटेड टेबल में 6 नंबर पे न्यूजीलैंड की टीम है, 1 नंबर पे इंडिया की टीम है और पाकिस्तान की टीम है 9 नंबर पर, यानी कि सबसे आखिरी पोजीशन पे। आगे बात करें तो भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20I सीरीज खत्म होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव को ट्रॉफी दिया गया। जैसे कि टीम इंडिया के अंदर एक रिवाज चलता है कि जब भी कोई इंडिया सीरीज जीतती है तो जो ट्रॉफी है वो सबसे यंग खिलाड़ियों को दिया जाता है। एंड द लेगेसी कंटिन्यूज। हर्षित राणा को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई IPL 2025 में हर्षित राणा एज अन कैप्ड प्लेयर खरीदे जा सकते हैं, रिटेन किए जा सकते हैं। हर्षित राणा को इस समय वायरल इन्फेक्शन है, जिसके वजह से इट इज पॉसिबल कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे सीरीज को मिस कर दें। न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए उनका नाम ट्रेवलिंग रिजर्व में शामिल किया गया है। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो बॉलिंग करनी पड़ सकती है और वो टीम इंडिया के स्क्वाड में आ सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें वायरल इन्फेक्शन है और वो पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं तो IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन के लिए अवेलेबल होंगे और उन्हें 4 करोड़ तक की राशि देकर के KKR की टीम रिटेन कर सकती है। तो भाई ये तो थी आज की सारी खबरें। इनमें से आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लो।